हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आप लोगों को आज मैं वॉकर वीडियो दिखाने वाला हूँ न्यू होंडा एल्गाज़र के लॉन्च की, जो कि आप लोग अभी अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आप लोग, ये कितनी मस्कुलर है और कितनी ही बड़ी लग रही है, काफ़ी अच्छी लग रही है। और इसके और जो होंडा एल्गाज़र है, ये 4 पावर ट्रेन्स के साथ आती है, जिसमें इंक्लूड होता है 2.0 का पेट्रोल एम्पिया इंजन एंड एक रहेगा आपका 1.5 डीजल सीआईडीए इंजन विद ऑप्शन ऑफ 6 स्पीड मैनुअल एंड 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ। जो 2.0 आई पेट्रोल एम्पिया इंजन है, जो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ है, जो डिलीवर करता है आपको पावर टू कंकर विद एन एक्सेलेरेशन ऑफ 0 to 100 किलोमीटर इन 9.5 सेकंड। वाइल बोट 2.0 पेट्रोल एम्पिया इंजन एंड 1.5 डीजल सीआईडी इंजन ऑफर बेस्ट इन सेगमेंट फ्यूल एफिशिएंसी विद 6 स्पीड मैनुअल एज वेल एज स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन। तो 2021 की होंडा एल्गाज़र मेजर करती है 4500 mm की लेंथ है इसकी, 1790 mm की वेट है इसकी और 1675 की इसकी हाइट है, जिसका व्हील बेस है 2760 mm का। थर्ड रो अप करने के बाद जो एल्गाज़र का ऑफर करता है 180 लीटर का बूट स्पेस है, विच इज़ क्लेम टू बी द बेस्ट इन क्लास। और यहाँ पे आपको पीछे डिग्गी में ही कुछ टूल्स मिल जाएंगे, आपको देखिए जो ज़रूरत के टूल्स होते हैं, जैक वगैरह, थोड़े स्क्रूज वगैरह आपको इसमें मिल जाएंगे। एंड आपको इसके स्टेपनी गाड़ी के नीचे मिल जाएगी, जो कि काफ़ी अच्छी से प्लेस हुई है। और बात कर लेते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में, जिसमें आपको मिलता है वॉइस एनेबल स्मार्ट पैनोरमिक सनरूफ मिलता है, सेकंड रो वन टच टिप एंड टंबल सीट्स, कैप्टन सीट्स मिलती हैं आपको इसमें 60-40 स्प्लिट्स के साथ, ड्राइव मोड सेलेक्टेड, कम्फर्ट इको स्पोर्ट्स रहेगा इसमें आपका, ट्रैक्शन कंट्रोल मोड, स्नो सैंड मड। और अब बात कर लेते हैं इसके आगे की, ड्राइव बीम एलईडी लाइट्स मिलेंगे आपको इसमें, फ्रंट कैमरा मिलेगा आपको इसमें, चार कैमरे होते हैं, एक फ्रंट ग्रिल पे होगा, दूसरा आपका दोनों साइड में रख नीचे होगा और एक आपके रियर बैक साइड पे होगा, जो कि आप लोग देख सकते हैं इंडिकेटर यहाँ पे कैमरा मिल रहा है। और इसकी वजह से आपको इसमें गाड़ी में 360 व्यू भी मिलेगा और इसकी ग्रिल भी काफ़ी अच्छी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इसके इंजन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एल्गाज़र दो इंजन ऑप्शन में लॉन्च हुई है, एक 2.0 MPI 6 स्पीड मैनुअल और एक 1.5 6 स्पीड ऑटोमेटिक डीजल और पेट्रोल वर्जन में, जो कि इसका पेट्रोल इंजन जो पावर जनरेट करता है वो 1175 rpm पे करता है और एक और जो इसका टॉर्क है वो 191 का है 4500 rpm पे। तो चलिए अब हम गाड़ी के इंटीरियर के अंदर की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम गेट को ओपन करते हैं और गेट को ओपन करने के बाद आपको एल्गाज़र कुछ अंदर से इस टाइप की दिखेगी, जो कि काफ़ी ही बहुत ही प्यारी लग रही है। और ये है इसका कुछ इंटीरियर का डिज़ाइन ये कुछ आप, और अगर हम अंदर के इंटीरियर की बात करें तो जिसमें आपको मिलता है 360 का एक्सपीरियंस होगा आपको, 6 सीटर की, 7 सीटर दो वर्जन में आएगी आपकी, 64 कलर्स की इसमें एम्बियंट लाइट रहेंगी। और इसमें सबसे जो ड्राइवर सीट होती है वो 8-way सीट एडजस्टेबल रहेगी और सेकंड रो आपकी वन टच टिप टंबल कैप्शन में स्प्लिट सीट्स हो जाएंगी एंड फ्रंट रो सीट में बैक टेबल में आपको रेक्टेंगुलर कप होल्डर मिल जाएगा, कुछ ग्लोव बॉक्स आपको इस टाइप का मिलने वाला है, जिसमें कि अंदर आपको कूलिंग पॉइंट भी दिया जाएगा एक लिंक ग्लोव बॉक्स का, इसका स्पेस इतना कोई खास ज़्यादा है नहीं। और ये आता है आपका आर्मरेस्ट के अंदर भी आपको एक कूलिंग पॉइंट मिला जाएगा, इसमें भी अच्छा खासा स्पेस है, दो कप होल्डर मिल जाएंगे, आगे आपको वायरलेस चार्जर मिल जाएगा जहाँ पे आप अपना फ़ोन वगैरह रख के चार्ज कर सकते हैं, आपके आगे की आपको MID मिल जाएगी जो कि काफ़ी अच्छी है और उसके कलर साथ ही साथ 26 इंची का आपको मल्टीमीडिया डिस्प्ले डिजिटल क्लस्टर मिल जाएगा जो मल्टी थीम्स के साथ होगा। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं अंदर सीट पे बैठ चुका हूँ, फ्रंट सीट पे बैठा हुआ हूँ एंड मैं सीट को एडजस्ट कर रहा हूँ और एडजस्ट करके आप ये लोग देखिए कि हेड स्पेस जो है वो भी काफ़ी अच्छा है और मेरे हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है, लेग स्पेस भी काफ़ी अच्छा है और एक प्रीमियम लुक देती है आपको जब भी आप इसमें आगे बैठे होते हैं और बहुत ही प्यारी है। और ये एक इसका इंजन स्टार्ट और स्टॉप का बटन है यहाँ पे प्लेस कर रखा है होंडा ने और ये आपका सनरूफ का बटन है जिसको अभी मैं चाबी मंगा रहा हूँ, चाबी मंगा करके मैं इसको एक बार आप लोगों को ओपन करके दिखाऊँगा। तो हम लोग अब चाबी लेने जा रहे हैं, चाबी लेके आ गया हूँ मैं एंड अब आप लोगों को दिखाता हूँ अंदर से कि ये दोबारा किस टाइप से लगती है। तो चाबी आ चुकी है इसकी और ये हम अब स्टार्ट करके देखते हैं और आपको इसकी MID दिखाता हूँ, MID स्टार्टिंग में किस टाइप से लगती है देखने में। ये इसके बॉस के म्यूज़िक सिस्टम हो गए हैं जो कि काफ़ी ही अच्छी साउंड क्वालिटी प्रोवाइड कराते हैं, यहाँ पे भी फ्रंट डेस्क पे भी है और दो आपको पीछे भी मिलेंगे, सबसे पीछे मिलते हैं बूट स्पेस पर भी।
ये इसका स्टेयरिंग है जिस पर आपको तीन चार बटन मिल जाते हैं, कंट्रोल्स मिल जाते हैं। ये इसका MID है, देखो कितना प्यारा लग रहा है जब से ये आप इसके इस इंजन को स्टार्ट करेंगे, कितनी ही प्यारी लाइट्स वगैरह आती हैं। ये इसकी चाबी है जिसमें चार बटन मिलते हैं आपको, लॉक, अनलॉक, म्यूट एंड होल्ड का बटन। होल्ड का बटन से होता है क्या है कि जब भी आपकी अगर मैनुअल कार भी है, आपने न्यूट्रल में खड़ी कर रखी है, तो आप ऑन कर सकते हैं होल्ड बटन को दबा करके इंजन को, जिससे कि आपको AC वगैरह ऑलरेडी आपका ऑन हो जाएगा। और अंदर का ये कलर भी मेरे को काफ़ी पसंद आया है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर मिलता है एक ऑटोमेटिक AC आपको, एयर कंडीशनर, जो कि इसका AC भी काफ़ी पावरफुल है, थोड़ी बहुत देर में ही पूरी गाड़ी चिल कर देता है। और अब बात कर लेते हैं, ये इसका हो गया सनग्लास होल्डर जो बंद हो गया, दो एंड वैनिटी सामने भी है, एंड आपको एक ये बटन हो गया आपका सनरूफ का, जो कि पैनोरमिक सनरूफ ऑन करने के लिए है। इसमें आप ब्लू लिंक से कनेक्ट करके भी सनरूफ को ऑन कर सकते हैं, एयर कंडीशन को। इसका ब्लू लिंक का फीचर भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें आप क्या कहते हैं कुछ कमेंट करके गाड़ी से आप अपना कुछ, जैसे नेविगेट करनी है किसी जगह को, एयर कंडीशन ऑन करना है, साउंड चेंज करना है, या सनरूफ ऑन करना है, इस टाइप के फीचर्स आप ब्लू लिंक से कनेक्ट करके कर सकते हैं। और सामने मिलता है आपको MID, जो कि काफ़ी ही प्यारा और कलरफुल है, जो बहुत अच्छा लगता है और इसको एक अलग ही बहुत प्यारा लुक देता है कार को। साथ में आपको यहाँ पे फ्रंट पे मिलेगा पियानो फिनिश में वर्क, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लॉसी लुक देता है, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये तीन चार जगह इसी में आपने पियानो में वर्क किया हुआ है, इन्होंने नीचे भी किया हुआ है, तो जो गाड़ी को काफ़ी प्रीमियम और लग्जरी बनाता है। तो अब बात कर लेते हैं इसके पीछे के स्पेस की, कि इसमें पीछे स्पेस कैसा है। अगर मैं पीछे बैठ के देखता हूँ तो देखिए, मैं कुछ स्टेप से देखूँगा, मेरी हाइट आपको पता ही है, 6 फीट हाइट है मेरी, एंड इसका हेड स्पेस भी काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक सनशेड बैक साइड भी, और जो कि काफ़ी अच्छा है और प्रीमियम फीचर देता है इसको। और आगे भी लेग स्पेस देखिए आप कितना बचा हुआ है, और थोड़ी सी सीट भी पीछे हो जाती है आपकी, तो जो कि इस गाड़ी को काफ़ी ही स्पेशियस बनाता है। और अगर आप लोगों को लग रहा है जैसे वीडियो में दो चार चीज़ों की कमी है, और आपको लग रहा है कि प्रॉपर वीडियो क्वालिटी या फिर सारी चीज़ें सही नहीं आ रही हैं, तो मैंने अभी यूट्यूब चैनल अभी नया नया स्टार्ट किया है, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। और किसी चीज़ पे नया टॉपिक चाहिए तो आप उसमें भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और सपोर्ट करते रहिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और ये मिलता है आपको फ्रंट सीट के पास एक पार्सल ट्रे टाइप का, जो कि आपको कुछ सामान वामान रखने के लिए काम आता है। और अब चलते हैं हम इसके सीधे पीछे की साइड, डिग्गी ओपन करके हमने देखा है, तो पीछे के सीट्स के लिए भी यहाँ पे एक AC का कंट्रोलर दे रखा है, और जहाँ चार्जिंग के लिए USB दे रखी है, जो कि आपका फास्ट चार्जर का काम करता है, वहाँ से आप AC का कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी साइड भी आपको एक और फास्ट चार्जिंग का पॉइंट दे रखा है, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी इस टाइप का बटन नहीं दे रखा है, जो कि आपके फ़ैन स्पीड या AC की स्पीड को कम करें। यहाँ पर आपको एक और स्पीकर मिल जाता है बोस का, और यहाँ पर एक मिल जाती है आपको लाइट, और ये कुशन है इसके साथ। और अब बात कर लेते हैं इसके पीछे की इंडिकेटर की, देखिए इंडिकेटर कुछ स्टेप का है, टेल लाइट आपके इस स्टेप से दिखेगी, जो कि काफ़ी ही प्यारी और अमेजिंग लुक देती है इसे। एल्काज़र की इसमें ब्रांडिंग है, पीछे की साइड आपको क्रोम पे दिख जाएगी, हुंडई की बैजिंग है इसमें, टेल लाइट आपको इंडिकेटर स्टेप से दिखेंगे, इसकी साइड प्रोफाइल स्टेप से है, और जो कि अभी आपको मैं इसकी ब्रेक, और इसके ऊपर मिल जाता है आपको एक स्पॉइलर, और नीचे दो एग्जॉस्ट मिल जाएंगे, जो कि इसको काफ़ी ही प्रीमियम और लग्जरी लुक देता है। एंड अब यहाँ पे आपको चारों डोर्स में बोस के म्यूजिक सिस्टम मिलता है, स्पीकर्स होते हैं जो बोस के, एंड पीछे भी आपको एक चार्जिंग सॉकेट मिलता है पावर वाला, एंड आपको एक फ़ोन के स्पेस के लिए रखने की जगह मिलती है। और अब मैं आप लोगों को इसके स्टीरियो में दिखाता हूँ कि जो 360 व्यू है इसका किस टाइप से देखने को मिलता है, तो बहुत ही प्यारा है। इसका फ्रंट कैमरा देखो कितनी प्यारी, इसकी क्लियरिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, अमेजिंग है। एंड मैं इसको आप साइड में आपको दिख जाता है बर्ड आई व्यू, जो कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी क्लियर दिख रहा है। एंड यहाँ पे आपको इसका इंटीरियर कुछ स्टेप्स है, जो कि अमेजिंग लगता है देखने में भी। एंड मैं अब आप लोगों को दिखाता हूँ इसके बैक कैमरे की क्लियरिटी भी दिखाऊंगा, साइड व्यू की भी स्टेप्स है। ये 3 पार्ट्स में बढ़ जाएगा आपका, तीनों पार्ट्स में दिखेगा। ये दोनों आपके ORVM के नीचे के कैमरे हैं, ये बर्ड आई व्यू है, ये आपका फ्रंट कैमरा हो गया जिसकी क्लियरिटी काफ़ी अच्छी है। एंड मैं अब आप लोगों को बैक कैमरे की दिखाता हूँ, तो बैक कैमरे की भी क्लियरिटी बहुत ही प्यारी है और अमेजिंग क्लियरिटी है, जो काफ़ी ही इनफ है देखने के लिए। ये आपका 6-स्पीड मैनुअल गेयरबॉक्स मिल जाता है यहाँ पे आपको, नीचे फ़ोन रखने की जगह मिल जाएगी आपको, USB पोर्ट मिल जाएगा नीचे, पावर सॉकेट मिल जाएगा, लाइटर की जगह मिल जाएगी, एंड ये आपके वेंट्स हो गए, वेंट्स की भी फिनिशिंग काफ़ी प्यारी लगती है यहाँ पर।